बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। स्वस्तिक की जो रेखाएं हैं, जो लाइन आप स्वस्तिक में बना रहे हैं और उस लाइनों की वजह से जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 अंश का समकोण बनता है, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसकी रेखाएं और इसके कोण बिल्कुल सही होने चाहिए। भूल कर भी उल्टे स्वस्तिक का या टेढ़े स्वस्तिक का निर्माण और प्रयोग मत करिएगा। अगर आपको याद हो या पता हो तो हिटलर का जो झंडा था उस पर भी स्वस्तिक था, लेकिन वो स्वस्तिक टेढ़ा था, नीचे की तरफ झुका हुआ था। नतीजा क्या हुआ? जितनी तेजी से ऊंचाई पर गए उतने ही तेजी से पतन हुआ। स्वस्तिक ने ऊंचाइयां तो दी, लेकिन चूंकि वो टेढ़ा था इसलिए पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ। और हिटलर को आज दुनिया किस रूप में याद करती है वो हम सब जानते हैं। तो स्वस्तिक के बारे में मजाक मत करिए, बहुत ताकतवर चिन्ह होता है। इसलिए उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा स्वस्तिक मत बनाइए, एकदम सही सटीक तरीके से स्वस्तिक का निर्माण करिए या तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। लाल और पीले रंग के स्वस्तिक सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ज्यादातर मामलों में लाल और पीले रंग के स्वस्तिक का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप चाहें तो नीले रंग के स्वस्तिक का इस्तेमाल भी विशेष दशाओं में कर सकते हैं, जैसे तंत्र मंत्र को काटने के लिए या तंत्र शक्ति से सुरक्षा के लिए नीले रंग के स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। शुभता के लिए लाल या पीले रंग के स्वस्तिक का प्रयोग होता है, तो मोटे तौर पे लाल पीले या नीले रंग का स्वस्तिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप स्वस्तिक को गले में धारण करना चाहते हैं तो स्वस्तिक बनवा लीजिए सोने या चांदी का, और उसके चारों तरफ गोला होना चाहिए। गोले के अंदर चांदी या सोने का स्वस्तिक धारण करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिना गोले के स्वतंत्र स्वस्तिक गले में धारण नहीं कर सकते। घर के बाहर जो स्वस्तिक बनाएंगे या जो तंत्र शक्ति से रक्षा के लिए स्वस्तिक बनाएंगे, उस स्वस्तिक में आपको गोले का प्रयोग नहीं करना है, वो सीधा होगा, साफ होगा। और जो गले में आपको धारण करना है वो गोले के अंदर होना चाहिए, तभी उसका फायदा, उसका प्रभाव आपको ज्यादा मिलेगा। और खास तौर से स्वस्तिक को धारण करने से विशेष तरह के फायदे होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का फायदा, एकाग्रता का फायदा, पवित्रता का फायदा, सुरक्षा का फायदा, ये सब निश्चित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होता है। जहां जहां वास्तु का दोष हो आपके घर में, क्योंकि ऐसा तो कोई घर बन ही नहीं सकता जो एकदम परफेक्ट बने, वास्तु दोष कहीं हो ही ना, तो जहां भी घर में वास्तु दोष है या जहां आपको लगता है कि यहां पर एनर्जी निगेटिव है या यहां पर इस कमरे में तनाव होता है या इस कमरे में टेंशन ज्यादा होती है, तो वहां पर और घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वस्तिक बनाना चाहिए। जो घर के मेन डोर का चौखट है ना, उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में आमने सामने लाल रंग का स्वस्तिक बनाना बहुत अच्छा रहेगा। पूजा के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर और वाहन में अपने सामने तीन जगहों पर स्वस्तिक जरूर बनाएं। जहां आप पूजा करते हैं, जहां आपने देवी देवता को लगा रखा है, उनके चित्रों को, उनकी मूर्तियों को, उसके पीछे सामने, अपने बिल्कुल ठीक सामने स्वस्तिक बना दें। जहां आप पढ़ते हैं वहां पर स्वस्तिक बना के लगा दें, और वाहन में अपने सामने डैशबोर्ड पर स्वस्तिक बना दें या स्वस्तिक का एक स्टिकर लगा दें, बहुत अच्छा रहेगा। एकाग्रता के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए सोने या चांदी में बना हुआ स्वस्तिक पहनिए, लाल धागे में डाल करके। सोने या चांदी में स्वस्तिक पहनेंगे, याद रखिए, पहले भी आपको बताया है कि जब आप स्वस्तिक गले में पहनेंगे तो उसके चारों तरफ गोला होगा, यानी चांदी या सोने का स्वस्तिक चारों तरफ उसके गोला हो। इसको लाल धागे में डाल करके गले में धारण करें, बहुत ही शुभ होगा। बृहस्पतिवार के दिन या रविवार के दिन इसको धारण कर सकते हैं।
जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण हैं, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सी है, इनके पीछे छोटे छोटे स्वस्तिक बना करके सफ़ेद कागज़ पर लाल रंग से छोटे छोटे स्वस्तिक बनाकर उन पे लगाइए। इससे ये होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, आपको बिल्कुल सही परिणाम देते रहेंगे। अब होता क्या है कि स्वस्तिक जो है वो एक ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है। तो अगर आप गले में पहन रहे हैं स्वस्तिक तो बिल्कुल पहनिए, लेकिन पहन करके मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। स्वस्तिक जब भी गले में पहने, जितनी भी पवित्रता संभव हो, जितनी भी सात्विकता संभव हो, वो सात्विकता पवित्रता आपको मेंटेन करनी चाहिए।